हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनजों दिनै आं आंनि डिनर रेसिपी मोनसे शेयर खालामनोसै। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय डिनर रेसिपी। एक्चुअली मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ क्योंकि अभी 8 मंथ फिनिश होने वाला है मेरा प्रेगनेंसी जर्नी का, तो बहुत ही टायर्ड हो रहा है और थोड़ा थोड़ा पेट में भी दर्द हो रहा है। तो फिर चलिए, फिर अभी मैं पुलाव बनाऊँगी आज, मतलब पुलाव खाने का मन कर रहा है। तो बाहर का तो अच्छा नहीं है मेरे लिए, इसलिए अभी मैं ये बासमती चावल था तो भिगो के रखा था मैंने, बासमती चावल में बनाए कर। एंड दिस आर द इंग्रेडिएंट्स: अनियन, किशमिश, बे लीफ, आलू एंड 1 टोमेटो, 1 ही चिली दूंगी क्योंकि पेट ख़राब होता है, एंड गरम मसाला एंड ऑल, लौंग, इलायची एंड थोड़ा सा अदरक का पेस्ट एंड जिंजर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जिंजर होता बिराद गोथाव जायो पुलावा, बेनिखायनो जिंजरखौ एसे पेस्ट बानायना होनांगौ। दा कुकारखौ आङो होबाय, गुदुं जाबाय कुकारा, ओमफ्राय बेनोसै बेसिक। न'आव जि दोङो बेजोंनो बनायदो, घर में जो भी अवेलेबल था उसी के साथ। और फिर थोड़ा सा रिफाइन ऑयल दिया है और 1 स्पून घी। ओमफ्राय गासिबो गरम मसालाखौ होग्रोदोंमोन आङो। सो गरम मसाला पहले थोड़ा सा फ्राई कर लिया, अदरक वगैरह जो भी गरम मसाला था। फिर अभी अनियन दे रही हूँ तो अनियन को भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीनी यूज़ करूँगी कलर के लिए, तो पुलाव का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। पुलाव निकल रहा ये लो यार, बिराद गोथाव जायो जानो मोदोमफ्रुनो। ओमफ्राय दा प्याजा मोनबाय एसे, तो आफ्टर दैन मैं अभी ऐड करूँगी अनियन एंड टोमेटो। आप लोगों के पास जो भी वेजिटेबल्स है यू कैन ऐड, मेरे पास वेजिटेबल्स कुछ नहीं थे तो मैंने सिर्फ पोटैटो एंड टोमेटो दिया और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। और फिर मैंने अच्छे से अभी फ्राई करने के बाद अभी जो चावल था चावल दे दिया, चावल को भी थोड़ा सा फ्राई किया। और जो चावल था मैंने वो लो स्टीम में फ्राई किया था तो 2-3 मिनट। एंड नाउ आई एम एडिंग वाटर, नॉर्मल वाटर। आपको थोड़ा कम ही देना चाहिए, नहीं तो जो पुलाव है वो बहुत ढीला हो जाएगा। नहीं तो मैंने जितना चाहिए था उतना पानी दिया। और फिर उसके बाद अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया सब। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा और घी डाल दूँगी ताकि टेस्टी हो। और फिर स्वाद अनुसार मैं यहाँ पे दूंगी थोड़ा सा नमक। इच्छे संख्रि होगन आङो, गोदै गोदै जानो मोजां ना नालाय, ओंखायनो एसे संख्रि होगोन। बिराद मोजां जायो जानो, नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामना नायबानो जाबाय। आरो इन्स्टेन्ट आरो ना, सब्जि तब्जि नांला माने मोनसे कुकारावनो सब होजोब्बाय मोजाङैनो, ओमफ्राय जानोबो गोथाव जायो। ओमफ्राय दा आङो कुकारखौ बन्द' खालामबाय, ओमफ्राय लो हिटआव आङो मोननै हुइसेल फैनो होगोन। एन्ड देन मेरा पुलाव बनके रेडी है। 2 हुइसेल देने दिया था मैंने, तो आप लोग देख सकते हैं कितना खिले खिले बने हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। और मैंने थोड़ा कम ही बनाया है, इतना भी फुल नहीं खा सकती हूँ। हम लोग 3 मेम्बर्स है तो अभी 3 मेम्बर्स हम लोग खाएंगे। तो ये रहा, प्लेट में मैंने सर्व कर लिया, उसके साथ थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा लेमन एंड देन थोड़ा सा धनिया की चटनी। सो दैट्स इट फॉर टुडे।